गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी हम लोग हैं एट कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक कर्ण प्रयाग है ये। कल दिन भर हम लोगों ने 250 टू 240 किलोमीटर्स राइड करी, स्टार्टिंग फ्रॉम नैनीताल से थोड़ा पहले रानीखेत होते हुए। रोड 80% रोड बहुत अच्छी मिली थी। बीच में एक पैच आया था जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है वैसे उत्तराखंड, एक कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट है, एक गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लोग हैं। तो वहाँ से इधर आने के लिए इस रोड के बारे में मैंने सुना था, बट कभी मैंने किसी वीडियो या ब्लॉग में ये रूट देखा नहीं था। बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड टेरेन थी जिससे अभी हम लोग हो गया है। आपको वीडियोज़ में आपने देखा होगा इस रूट पर ना मैंने ज़्यादा कोई टूरिस्ट को देखा। 1-2 बाइकर्स मिले थे जो शायद वो लोग भी एक्सप्लोर कर रहे थे, और मोस्टली वो रोड लोकल्स के लिए है, जो लोकल छोटे छोटे गांव पड़ते हैं उत्तराखंड के। वो सब टायरिंग थी थोड़ी सी, बट जो व्यूज़ थे एंड जो एक्सपीरियंस था दैट वाज अमेजिंग। सब सामान ऐसे करूँगा, हेलमेट एंड जूते। आई होप सो गए हो। रात में आके तो इतना अंधेरा था कि पता ही नहीं चल रहा था। अब जाके देखता हूँ बाहर व्यू कैसा है। पहले मुझे लग रहा था कि बारिश हो रही है, बट अभी रियलाइज़ हुआ कि बारिश नहीं है, कि नदी की आवाज़ है। वाओ, जस्ट लुक एट द व्यू यार। रात में कुछ नहीं पता चल रहा था। कपड़े हम लोग के ही हैं। आपको कहीं भी कपड़े दिखें अगर सूख रहे हो तो ये हम लोग के ही हो सकते हैं, बिकॉज ऐसे मॉनसून में राइडिंग हमारे जैसे पागल लोग ही कर सकते हैं। यही वो माउंटेन है जहाँ से हम लोग आए हैं। इसी के साइड यही वो रिवर है। आई थिंक ये अलकनंदा नाम है इसका, शायद अलकनंदा रिवर। इसी के साइड हम लोग अराउंड 20 किलोमीटर के आजू बाजू घूम फिर के आए हैं। एंड अब ये आगे इस तरफ लोकल एरिया अराउंड हम लोग को इस तरफ जाना है, हम लोग को इस साइड जाना है। और यही रास्ता आके नंद प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ वाला रूट है ये। बट हमारी डेस्टिनेशन जो है वो है जोशीमठ। सो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। गाइस इट्स 8:17 इन द मॉर्निंग। ये इधर सब अपने पावर बैंक फोन्स चार्ज हो रहे हैं। ब्रेकफास्ट आ चुका है। प्रोटीन आपको पता है भाई, आपका प्रोटीन के बिना रह नहीं सकता। प्रोटीन मार है, ये चाय है। मेरा सामान ऑल सेट है, बस मुझे गियर पहनना है, शूज़ और बाहर व्यू तो आपने देखा ही है। बाकी उधर साथ का सामान है, वो भी नहा रहा है। सो आई डोंट थिंक इस होटल में और कोई रहता है। बट इस होटल की लोकेशन अमेजिंग है। जितनी जल्दी हम लोग यहाँ से निकलेंगे उतनी जल्दी हम लोग गोविंदघाट पहुँचेंगे। गोविंदघाट पहुँच गए सही टाइम पर तो मे बी शायद हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स का जो ट्रैक है वो स्टार्ट कर सकेंगे। मैंने सुना है कि वैली ऑफ फ्लावर्स अराउंड 5 बजे शाम को बंद हो जाता है। आज इंडिपेंडेंस डे भी है, सो क्या टाइमिंग्स में चेंजेस होंगे आई हैव नो आइडिया। तो पहले जितना जल्दी हो मैं ये खाता पीता हूँ, ऐसे ही खाता हूँ। वो चलो ऊपर ये रखो। आई एम लीविंग फ्रॉम कर्णप्रयाग राइट नाउ। ये है आई थिंक वो हाईवे, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे। इसी को फॉलो करना है अपने को। जय माता। 95 किलोमीटर कवर करने ना। हवा भी चेक कर लें, कल थोड़ा सा हवा में इशू था भाई। हवा चेक कर लेना। हवा हवा हवा। तो गाइस हम निकल रहे हैं कर्णप्रयाग से एंड फर्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ से वो पहले नंद प्रयाग है। तो कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग एंड देन और भी दो प्रयाग हैं, आई गेस एक विष्णु प्रयाग है, एक रुद्र प्रयाग है, बट देयर इज वन मोर। टोटल 5 हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो क्या है इन 5 जगहों का सिग्निफिकेंस और वो 5वां मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा, तो जिसको भी पता हो वो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए। बहुत ही सुंदर है गाइज, आई डोंट नो कि आप लोग कैमरे पे सही से देख पा रहे हो, बट बहुत ही सुंदर है यार, यही देखने के लिए तो हम लोग आए हैं। लैंडस्लाइड हुई है 100% यहाँ हुई है, अभी नहीं हुई है, थोड़े टाइम। लैंडस्लाइड नहीं है क्या? लैंडस्लाइड, अच्छा ओके, रोड वाइडन हो रही है। ओके तो गाइस ये रोड चौड़ी हो रही है, ये शायद पहले 2 लेन थी, अब ये 4 लेन हो रही है। ओके मुझे लगा लैंडस्लाइड है यार, वैसे ही लैंडस्लाइड सुनते ही मुझे चोट लगने लगती है, कहीं पे भी मैं कुछ देखता हूँ तो मेरा धक धक होने लगता है। ये जो रोड है ये यूजुअली बहुत बिजी रहता है, इस रूट पे आपको सन्नाटा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इस टाइम सब कुछ बंद है एंड बिकॉज दिस काउंट्स एज एन ऑफ सीजन। सारे चारों धाम बंद हैं, सारी यात्राएं बंद हैं, इवन हेमकुंड साहिब जहाँ हम लोग जा रहे हैं विच इज आई गेस द हाईएस्ट गुरुद्वारा इन द वर्ल्ड, आई एम नॉट श्योर, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, वो भी बंद है। तो ऑल द पिलग्रिमेज जितनी है यहाँ पे वो इस टाइम सब बंद है, एक बार स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होने वाला है। और ये स्लश आ चुका है, तुम्हारे भाई को स्लश बिल्कुल नहीं पसंद है, गाड़ी कंट्रोल के बाहर चली जाती है, बट निकल गए निकल गए भाई। यहाँ थोड़ा डर टाइप का लग रहा है मुझे, अगेन हम लोग डाउनहिल जा रहे हैं अभी, अप डाउन इस रूट पे भी चलेगा। जोशीमठ काफ़ी हाइट पे है तो आई गेस अभी अपने को ऊपर जाना है, देन गोविंदघाट के लिए फिर नीचे आना है, बट चलो कोई नहीं, अब तो आदत ही है मुझको ऐसे राइड करने की। तो गाइस जस्ट एक शॉर्ट ब्रेक, आई गेस हम लोग अभी 6 to 7 किलोमीटर्स आए अभी यहाँ पे। साथ को कुछ सामान लेना है हमको, मेरी बंजी कॉर्ड सही है बट हम लोग एक एडिशनल रोप ले रहे हैं जस्ट इन केस। बाकी मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है, सो अभी तक तो इट्स फाइन, लेट्स सी आगे कैसा रोड रहता है, कैसा मौसम रहता है। अभी तो इट्स ऑफ 4 लेन रोड अभी ये बड़ी हो रही है, इसको चौड़ा किया जा रहा है, लेट्स सी। मेरा भी टाइम हो गया है रिफ्रेशमेंट का, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, दिस इज माई रिफ्रेशमेंट पॉकेट, मेरी फेवरेट टॉफ़ी है। ये लैंडस्लाइड 100%। इस तरीके के हॉन्टिंग नज़ारे देख के मेरी फिर से चोट लगना स्टार्ट हो जाती है, बट अच्छी चीज़ है कि 2 दिन से बारिश नहीं हुई है और आगे आसार भी नहीं लग रहे हैं, तो गुड ऑड्स फॉर अस। वो क्या है यार, जिपलाइन? जिपलाइन? अच्छा रोड वाइड हो रहा है और ये सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नेचर के साथ खिलवाड़ होगा तब नेचर तो जवाब देगा, फिर ये बोलना नहीं कि यहाँ लैंडस्लाइड हो गई या ये हो गया। आपको हमें चिपकानी पड़ेगी। निकल गया, रोड पे आ गया है कुछ। बद्रीनाथ 105, जोशीमठ 62, अपने को 62 और जाना। टोटल 102 जाना है ना अपने को। सीधा लेफ्ट, ये नंद प्रयाग है ना। फ्लश और बजरी, हाँ हाँ झरना बह रहा था, वाटर ब्यूटीफुल वाटरफॉल। अपने को गोविंद घाट जाना है ना। 80 किलोमीटर अभी यहाँ से जाना है। क्या टाइम हो रहा है? 10 बज रहा है और अभी 80 किलोमीटर मेरे को और जाना है। आई होप कि हम लोग पहुँच जाए। कहाँ से? यहाँ से। Guys, it's 9:51 right now. पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। And we are still 80 kilometers away from गोविंद घाट। गोविंद घाट से हम लोगों को ट्रैक स्टार्ट करनी है। मुझे पता नहीं है कि हम लोग गोविंद घाट कितने बजे तक पहुँचेंगे। ऑल आई नो कि वैली ऑफ फ्लावर्स जहाँ हम लोग को जाना है वो 5 बजे बंद होता है। सो आई गेस अगर हम लोग थोड़ा सा कवर कर लें जल्दी तो हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स भी जा सकते हैं। आज ही हम लोग ट्रैकिंग करेंगे। ऑलरेडी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रैक के लिए, बिकॉज 2 दिन 3 दिन से राइड करते करते थक चुका हूँ। मिली तो पानी नहीं है। ये आगे केला मिल रहा है, केला कहाँ है? So guys, just took a small break at this restaurant with a very good view. चाय के लिए बहुत दूर से, अभी पता नहीं हम लोग कितना दूर आएंगे। सभी बीच अराउंड 60 किलोमीटर्स अवे। ओ भाई साहब, क्या अल्टीमेट व्यू है। आप लोग भी इंजॉय करो गाइस। इस व्यू के साथ तो चाय पीना यार बनता है। मुझे पता नहीं भाई कैमरा में आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा। द कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस विद एक्चुअल व्यू। देखते रुकते हैं यहाँ पे, थोड़ा पिक्चर्स क्लिक करते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ जो सबसे बढ़िया लगी है इस रूट में मुझे जब से गढ़वाल में आया, वो है यहाँ की रोड, आउटस्टैंडिंग रोड है। मज़ा आ गया यार यहाँ की रोड पर राइड करके। दूसरे साइड कुमाऊँ साइड भी राइड करी थी, बट यहाँ की रोड्स बहुत अच्छी है। अभी भी एक्सपैंड हो रही है, तो और एक्सपैंड कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं साइड पर, सेव कर रहे हैं लाइफ स्टाइल सब के लिए। अल्टीमेट डेफिनेटली मैं इस पर दोबारा तो करूँगा। तो नीचे एक आध आदमी खर्च होगा, लेते हुए जाएगा लोगों को। और ये मेरे को लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे। ये फोल्डर, अगर बंद होता है तो ब्लॉक लिख के आ जाता ना। ओनली राइट से और गोविंदघाट जोशीमठ से। तो गाइस जोशीमठ पहुंच चुके हैं हम लोग। आज लॉकडाउन भी है प्लस इंडिपेंडेंस डे भी है, तो मार्केट आज बंद है। बट टूरिस्ट कुछ 8 टूरिस्ट मुझे दिख रहे हैं, कुछ प्राइवेट व्हीकल्स और कुछ लोग टैक्सी से। आई गेस ये लोग और ऊपर लाइक ओली एंड गोविंदघाट और बाकी और एरियाज जाने के लिए यहाँ पे टैक्सी ले रहा है। हम लोग को यहाँ पे रुकना नहीं है, हम लोग को एक छोटा सा काम है क्या, वो है खाना, क्योंकि तो बहुत लंबी ड्राइव वगैरह मुझे भूख लग रही है। यहाँ पे रुके हैं, जलेबी बन रही है भाई गरम गरम, तो अब देख के मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए 2 प्लेट दे देना भाई दही जलेबी। मटेरियल मुझे लगा था हल्का है बट बहुत मजबूत है। हाँ नहीं मैं उधर से इधर आ, हाँ ऊपर जा रहा हूँ अभी। हाँ नहीं मैं इधर से आया हूँ। दे दिया, ये पैक कर लो पूरा, जैकेट और बैग ले लो। आ जाओ फिलहाल तो जलेबी दिखती है मुझे। पहले तो चार्ज करना है मुझे कैमरा और फोन। जलेबी आ रही है तो भाई जी जोशीमठ से निकल रहे हैं बहुत तगड़ा नाश्ता करने के बाद। अब अपना टारगेट है गोविंदघाट। बड़ा सीनिक रोड आया है यार, बढ़िया, काफ़ी लैंडस्लाइड आती है। तो गाइस वी आर गोइंग डाउन दिस माउंटेन। जोशीमठ से सीधा नीचे आके ही मिलेगा अपने को गोविंदघाट का रास्ता। बट दिस रोड इज सो स्मूथ एज यू कैन सी, मज़ा आ रही है इस रोड पे चलाने में। यहाँ पर पेट्रोल का टाइम आ गया। और ये टर्न है गोविंद घाट के लिए। यहाँ क्या बीआरओ का कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, पीछे लिखा हुआ था, मैंने साइन देखा था बीआरओ का। तो बोला था आराम से चलाइएगा, काफ़ी मतलब स्लश और बजरी मिलेगी रास्ते में। अभी रिसेंटली एक क्लाउड बस्ट हुआ था, अगर आप लोगों ने न्यूज़ में सुना तो साथ बोल रहा है कि ये वही वाला रूट है जहाँ पे मतलब ऊपर कहीं पे बस्ट हुआ था और फिर इस नदी में सडनली बाढ़ आ गई थी। और शायद ये पुल जिससे अभी हम लोग निकले इसको बंद भी किया था, यही वाला था ना। गाइस हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंच चुके हैं, अभी पहुंचे नहीं है। घांगड़िया वाला रास्ता भी यही है ना? हाँ यही है। तो घांगड़िया तक जा सकती गाड़ी? गाड़ी नहीं है, वहाँ से गाड़ी नहीं जाती। वहाँ से गाड़ी नहीं, यहाँ से तुम ये लगा लो कि 4 किलोमीटर तक ये रोड जाएगी। ठीक है, 4 तक ये जाएगी। ठीक, उसके बाद पूरा पैदल है 13-14 किलोमीटर, पूरा वैली ऑफ फ्लावर्स तक। घांगड़िया से वैली ऑफ फ्लावर्स तो 3 या 4 किलोमीटर उधर वैली ऑफ फ्लावर्स को कट जाता है ना। अच्छा अच्छा, समझ गया। एक ही दिन में डाउन नहीं होता है, आप पहुंचोगे फिर 6 बंद हो जाएगा। बंद होने का टाइम होगा कहाँ पे? वैली ऑफ फ्लावर्स बंद भी तो हो जाता है ना जल्दी, आपको बंद कर देता। वो नहीं चल रहा, हेलीकॉप्टर चलता है इधर के चक्कर से। अच्छा, हेमकुंड साहिब बंद होगा इसलिए। बद्रीनाथ अभी सब जगह बंद है चारों तरफ। गाइस आई डोंट थिंक अभी हम लोग आज जा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और अभी आई डोंट थिंक हम लोग जा पाएंगे बिकॉज जब तक हम लोग पहुँचेंगे ट्रैक करके 12-13 किलोमीटर की ट्रैक है और उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स 5 बजे बंद हो जाता है। सो आई डोंट थिंक आज हम लोग कर पाएंगे। आज हम लोग एक होटल लेके यहीं पे रेस्ट करेंगे एंड प्रॉब्ली कल अर्ली मॉर्निंग में विल गो टू विल स्टार्ट द ट्रैक टू वैली ऑफ फ्लावर्स। AKHTAR एंड फॉर देखिएगा, अभी तो नहीं थोड़े दिन बाद डालूंगा। चले भाई, आज तो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। तो भाई ये होटल अपना यहाँ पे बाइक पार्क कर रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा एरिया को एक्सप्लोर करने जब तक रोशनी है। तो भाई ये गुरुद्वारा है, यहाँ का बहुत फेमस गुरुद्वारा है। ये रास्ता है जिससे हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ये ऊपर जाता है घांगड़िया को अराउंड 10 to 12 किलोमीटर, बट सिंस 5 बजे तक बंद हो जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो अब हम लोग कल मॉर्निंग में अपनी ट्रैक स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कैब जाती है जो ऊपर हम लोग को 5 किलोमीटर पे ड्रॉप करेगी, दैन वहाँ से हम लोग ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग यही स्टे कर रहे हैं, इसके जस्ट पीछे हमारा होटल है और ये रास्ता है यहाँ का। तो अभी सिर्फ यही नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं, व्यू इन्जॉय कर रहे हैं एंड कल मॉर्निंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह। मुश्किल भाई से वैली ऑफ फ्लावर्स ही जाना है, वैली ऑफ फ्लावर्स ही जाना है। तो साथ में चलते हैं फिर क्या है? हाँ तो साथ में है नहीं, हम भी जा रहे हैं।